Clash of Clans. Hey, what's up guys, मैं आपका होस्ट हूं दोस्त आपका क्लैश फ्रेंड्स से ब्रांड न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो में बताने जा रहा हूं आप लोग 8 महीने के अंदर 8000 जेम्स कैसे कर सकते हो। तो कौन सा मैं पहले मतलब जो मैं थंबनेल लिखा वो बिल्कुल रियल है, मेरा एक दूसरा अकाउंट है क्योंकि मैंने उससे किया, उसका भी नाम सेम ही राजा भाई जैसा, क्योंकि मेरा TH10 हो रहा रस है, फुल रस नहीं थोड़ा सा रस है, थोड़ा सा तो मतलब TH9 का थोड़ा हाफ रस है। तो ये बताऊँ तो आप लोग 8 मिनट के अंदर 8000 जेम्स कैसे कर सकते हो। होप से मजा आएगा, वीडियो मजा आए तो आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, आस्था लाइक है मेरा 5 लाइक्स का, और किसी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए आपने उससे पहले अल्लाह सी से अपने इवेंट के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया समझो। तो चलते हैं फिर सबसे पहला टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, समझो कि ये जेम्स बॉट्स है। तो जेम बॉट्स आते हैं आपको वन डे वेट करने और सब कट कर देना, आपको इतना 3-4 दिन के बाद आपको जेम बॉक्स मिल जाएगा। तो ये था हम लोग का सबसे पहला टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको भी ऐसे ट्राई करना है ठीक है ना, एक हफ्ता आने बाद काट देना। फिर हम लोग का समझो कि हम लोग मेजर टाइम में हम सब यूज़ कर नहीं, ऐसे सब लोग ऑब्स्टिकल सेल कर दिया, मैंने 50 जेम्स मिल गया ठीक है ना। तो फिर मैं जूम करके इसलिए तो अच्छा समझा, फिर रिसोर्स पर्सन से भी मिल गया मुझे 10 जेम्स, तो 60 जेम्स फ्री में मिल गया। अभी चलते हैं हम लोग तीसरा टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, और तीसरा टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग का है क्लेन जेम्स के ऊपर। तो क्लेन जेम्स आया तो ऐसे हम लोग ये मेरी टेंडेंस ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा जेम्स वाला बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में जेम्स, सेकेंड ईयर में ये पकवन ग्रेवी टू पोषण, थर्ड ईयर से 50 जेम्स सोवल सॉफ्ट स्टील। फिर हम लोग इसमें लेंगे फिर वर्ल्ड रिंग लेने बाद फिर बिल्डर रून ऑफ बिल्डर गोल्ड, और फिर यहाँ से 100 जेम्स। तो हम लोग टोटल कितना जेम्स हुआ देखो, 20, 20, 30, 30, 50, 30, 50, 30 plus 50 = 80, 80 plus 5 into 6, 30, 30 plus 50। गाइस आप कैलकुलेशन कर लिया, मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाया, तो ऑलमोस्ट 200 या 150 plus है। तो ऐसे आप यहाँ से आके सेल कर सकते हो ना, तो आप वहाँ से भी जेम्स मिल जाएगा, आप यहाँ से आके सेल भी कर सकते हो। तो चलते हैं हम लोग अपने चौथे टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। चौथा टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग का एडवांसमेंट मतलब अचीवमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो मैं अचीवमेंट बोलता हूँ अचीवमेंट, तो मेरा कौन सा इतना सारा अचीवमेंट है, आपको कितना ज़्यादा यहाँ से मिल सकता है। तो देख सकते हो इतना ज़्यादा जेम्स मिल सकता है यहाँ के, आपको 1000-2000 जेम्स भी मिल सकता है। तो आप वैसे भी आप कलेक्ट कर सकते हो, बिल्डर बेस से भी ले सकते हो, आप लोग अपने होम विलेज से भी ले सकते हो, बहुत सारा टिप्स ऐसा यहाँ से ले सकते हो, तो ऐसे भी आपको ज़्यादा जेम्स मिलेगा। और ऐसे आप लोग जल्दी जल्दी कौन सा बहुत क्लोज है तो उसको आप लोग पहले कंप्लीट कर लो, कौन सा था दूर में उसको बाद में कंप्लीट कर लेना, तो ऐसे आपको ज़्यादा जेम्स मिल पाएगा। और उसका साथ आपको यहाँ से XP भी मिलेगा, XP ही ना, तो ब्लू वाला ऐसे XP वो भी आपको XP बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप लोग बिल्डर बेस से भी मिलता है, ऐसे भी मिलता है, तो आप दोनों वाले से खेलना ही ना, देख सकते हो ये मैं ठीक है ना। तो आप दोनों एडवांसमेंट से भी आप लोग ले सकते हो ठीक ना, देख सकते हो मैं इतना सारा एडवांसमेंट अभी भी करना बाकी है ना, देख सकते हो यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना है 5000 मोटर भी क्लोज हूँ मैं, फिर बिका में चैम्पियन में 2000 जेम्स मिल रहा है, वो भी मैं करूँगा जल्दी जल्दी, तब मैं पूरा मैक्स हो जाए TH10, देख सकते हो मोटर वाला में भी होने वाला है। तो ऐसे आप लोग ज़्यादा ज़्यादा जेम्स कलेक्ट कर सकते हो। फिर चलते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। तो फिफ्थ नंबर टिप्स एंड ट्रिक्स है हम लोग का, देख सकते हो अरे आप सब लोग कुछ और कुछ अपग्रेड हो रहा है, आप लोग जेम्स एक फिनिश नहीं करना या 2-4 आवर आप लोग वेट करो, जितना दिन आपका बाकी है उतना दिन आप लोग वेट करो, वरना आपका ऐसे 2-4 आवर तो कोई भी कर सकता है आराम से, आप लोग उठोगे सोओगे इतना तो आप लोग जेम भी सुन खेलते 24 आवर्स, तो आप लोग कितना समझ लो दिन भर बेसी बेसी 5 घंटा खेलते हो, तो 5 घंटा में से समझ लो ऑलमोस्ट ये आपका 2 दिन के अंदर आराम से हो जाए आप लोग इसलिए। तो फिर चलते हैं हम लोग अपने दूसरे थर्ड नंबर टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। तो थर्ड नंबर टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब कितना मैं भूल गया टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर, तो जेम माइन, आप लोग जल्दी से अपना BH को अपडेट करो बिल्डर हॉल को, और अपना जेम माइन को और क्लॉक टावर को जल्दी जल्दी अपडेट करो, क्लॉक टावर से वो स्पीड होगा और जेम माइन में जल्दी जल्दी जेम रिप्रोड्यूस कर लेगा, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जेम्स मिलेगा। ऐसे भी आप लोग 8 दिन के अंदर समझ लो ऑलमोस्ट 100 जेम्स ले सकते हो। तो आप लोग क्लॉक टावर और जेम माइन को बिल्डर बेस में जरूर से जरूर अपग्रेड करिएगा, तो ठीक है ना। तो ये था आज हम लोग का ये टॉपिक और ये हमारा वीडियो, होप से मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, 5 लाइक का एम है, सब्सक्राइब है एम है इस ईयर के अंदर 500 का, ऐसे ही कंप्लीट कर दीजिए। और कौन सा हम लोग से अपने इवेंट में कैसा रिस्पॉन्स दिखाया, गाइस हाथ जोड़ते विनती करता हूँ,
गाइस इसमें भी प्लीज ऐसे दिखा दीजिएगा रिस्पॉन्स ना। तो ये आज था हमारा वीडियो, होप से मजा आया तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर कोई भी चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।